कोरोना बचाव के लिए अलग से टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दो टीमें गठित की हैं। ईगल वन ईगल टू मास्क न लगाए जाने पर करेगी जुर्माना। पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर किया जनपद को रवाना। ये उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना वायरस महामारी को इसको ख़त्म किया जा सके। अभी ये देखने में आ रहा है कि 70% के लोग आसपास तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, या भीड़ में जाते हैं तो मास्क उनके पास रहता है तो मास्क नहीं लगाते हैं, यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमने दो टीमों का गठन किया हुआ थाना कोतवाली में, जिनको ईगल वन और ईगल टू का नाम दिया गया है। इनका काम होगा कि ये बारीकी से नज़र रखें, पैनी नज़र रखें, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी स्वास्थ्य और दूसरों का जीवन संकट में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाएंगे और चालान काटेंगे। चालान में, जैसा आपको मालूम है, 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला जाता है, तो ये 500 रुपये का शमन शुल्क हर आदमी से वसूलेंगे और ये 10 घंटे रोज़ काम करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक इनकी ड्यूटी रहेगी दोनों टीमों की, और इनके प्रभारी एक इंस्पेक्टर बनाए गए हैं, उनके अंडर एक दारोगा है, साथ में 4 सिपाही हैं और उनको गाड़ियाँ भी दी गई हैं। तो सभी मैनपुरी वासियों से निवेदन है कि मास्क लगाएँ, हमको चालान करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो हमको चालान करने पे मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। धन्यवाद।